हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए हाई स्कूल से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूं, जो आपके हिंदी की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आप हिंदी के पेपर देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हिंदी के इन वीडियोज को आप स्किप बिना स्किप किए आप शुरू से अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कितने मार्क्स आप लाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन को सबसे पहले हल करना है और कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, कितने मार्क्स से कौन से क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन आप जरूर याद कर लेंगे और इसमें आपको पूरा गेसेड, पूरा अनुमानित और पूरी तरह से एकदम परफेक्ट क्वेश्चन आपको हम बताए हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद कमेंट करिएगा। ओके, तो मैं संतोष कुमार पटेल और टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करते हैं और वीडियो को बिना देर किए हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करेंगे, वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को नीचे लाल की सब्सक्राइब बटन दिखाई देगी, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि वीडियो में ये चीज है आपका, आपका हिंदी में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपका 70 मार्क का होगा, तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो आएगा वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे, वो विकल्पीय क्वेश्चन आपका रहेगा। तो इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो विकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। इसमें का खा और ग घ रा तक आपके 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन आपका जो बहुविकल्पीय होगा वो 1 नंबर का होगा, यहाँ पर हम मार्क कर दिए हैं, और खा में भी 1 मार्क का होगा, और उसके बाद दोनों मिलाकर 2 अंक होंगे। ग घ और ये आपका एक एक और एक मार्क का होगा, जो अतिलेखोत्तरीय प्रश्न उत्तर, जैसे कि आपका क्वेश्चन हो गया कि भारतीय हिंदी के कवि का नाम लिखिए, या तरह तरह के क्वेश्चन आपका एक अतिलेखोत्तरीय क्वेश्चन एक एक करके रहेगा। तो इस तरह से ये 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन रहेगा। पहला कितने नंबर का? 5 नंबर का रहेगा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन होगा क ख ग, 3 क्वेश्चन होंगे जो लघु उत्तरी टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी थोड़ा बड़े होंगे उससे। इसमें ये हो सकता है कि द्विविधियों के लेखककारों का की विशेषताएं, उनकी भाषा शैलियों का वर्णन कीजिए, छोटा सा होगा ये आपको क और ख 2 मार्क्स का हो सकता है, ग आपका छोटा हो सकता है, तो 1 नंबर का कुल मिलाकर ये भी 5 नंबर का होगा, ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। तो इतने क्वेश्चन आपको ये पहले मिल जाएंगे। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन में जैसा कि हम दिखाने चल रहे हैं, आपका ये होगा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपका गद्यांश आएगा, गद्यांश में आपको 2 गद्यांश होंगे, जिनमें से 2 में से आपको 1 करना है, ध्यान रखना 2 में से 1 करना है, यानी क और ख रहेगा, तो क या करना है या तो ख करना है। तो क और ख में करने के लिए आपको सबसे पहले उनके क्वेश्चन को ध्यान, आ क्वेश्चन रहेगा एक एक गद्यांश में, प्रत्येक गद्यांश में आ बसा क्वेश्चन रहेंगे, और आ को आप में जो क्वेश्चन लगभग आ क्वेश्चन आपका संदर्भ रहेगा, और वह क्वेश्चन आपका व्याख्या रहेगा रेखांकित अंश का, और सा क्वेश्चन आपका उससे संबंधित प्रश्न रहेगा। इस तरह से आपका गद्यांश का गद्योत्तरण रहेगा, खंड रहेगा। तो आप इसको करेंगे, ये टोटली 6 अंक का रहेगा, जो कि 2 नंबर 2 नंबर और 2 नंबर, टोटली 6 नंबर का आपका ये होगा, इस ये गद्यांश का होगा, यानी का हमें से 1 करना है, 2 में से 1 करना है। सेम कंडीशन अप्लाई होती है पाद्यांश में भी, पाद्यांश में 2 में से आपको 1 करना है, का खा उसमें भी रहेगा, उसमें भी आपका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या और काव्य का सौंदर्य आएंगे। तो इनमें भी आपको हम दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं टोटली। और गद्य और पद्य के क्वेश्चनों को हल करने के लिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने के लिए आप इनके पाठ के नाम को और लेखक के नाम को याद कर लेना है, क्योंकि इसकी सहायता से आपको करना है। ये देखिए, इसमें आपका 1 नंबर का संदर्भ और 4 नंबर का व्याख्या, 1 नंबर का आपका संदर्भ, टोटल आपका 6 अंक का रहेगा पाद्यांश का। तो 2 आएगा का आएगा और खा आएगा, तो उसमें से आपको का या खा 2 में से 1 करना है, यहाँ पर लिखिए। तो इस तरह से ये होगा आपका पद्य गद्य का आपका संदर्भ व्याख्या हो गया, आपका लेखक नाम पाठ नाम जरूर याद कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आपका आएगा 5 नंबर आएगा कि लेखक परिचय, लेखक परिचय आएगा, लेखक परिचय में आपको उनके जीवन परिचय देना है, 2 नंबर का रहेगा, और उनकी एक रचना लिखा 1 नंबर का रहेगा, टोटल मिला के 3 अंक का रहेगा, टोटल मिलाकर 3 अंक का रहेगा। तो
कौन कौन से लेखक बच्चे को याद करना है, हमने महत्वपूर्ण लेखकों को लिख दिया है, आपको इसका PDF जाके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको आप पढ़ लीजिए टोटली, डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी आपको, डाउनलोड कर लीजिए। और तरह तरह की जीवन परिचय का परिचय हाई स्कूल रिलेटेड की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जाके प्ले लिस्ट कीजिए, सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो जैसे कि इसमें आपको कौन से इंपॉर्टेंट बताते हैं, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, तो आप इसमें से याद कर लीजिए। राजेंद्र प्रसाद को छोड़ करके आप इन तीनों में से कोई भी याद कीजिए, पक्का मिल जाएगा। उसके बाद खाता है कभी जीवन परिचय, कभी लेखक जीवन परिचय, कल जीवन परिचय में सेम कंडीशन अप्लाई होती है, 2 नंबर का, 1 नंबर का, टोटली मिलाकर 3 अंक का होगा। इसमें आपको सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और तुलसीदास, इन तीनों में से कोई भी याद कर लेगा, 1 आपका फंस जाएगा, 3 अंक रहेगा। तो इस तरह से आप इसको जीवन का परिचय और जीवन परिचय दोनों को याद करके रेडी कर लीजिएगा, ये आपका 3-3 अंक का काम हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलते हैं, दिखाते हैं और चीज़ें क्या है। 6वां क्वेश्चन आएगा आपका संस्कृत में होता है, जो संस्कृत में संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है, संदर्भ लिखना होगा यानी संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है, और अनुवाद पे 2 नंबर मिले, टोटली आपको 1-2 और ये 4 अंक, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है थोड़ा, संदर्भ और व्याख्या टोटल मिलाकर आपको 4 अंक का लिखना रहेगा। गद्य पद दोनों में इसे 1 करना होगा, आपका एक गद्य आएगा और पद आएगा, तो आप कोई भी कर लीजिएगा, गद्य पद में दोनों में से 1 करना है, या तो आप गद्य कर लीजिएगा या तो पद कर लीजिए, तो यानी 4 नंबर आपको मिलना है। लेकिन ध्यान रखना संदर्भ लिखना है और उसका अनुवाद करना है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन आएगा, 1 श्लोक जो उस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो वो लिखना होगा 2 अंक का, और उसके बाद प्रश्न पत्र के उत्तर देना होगा संस्कृत में, इसमें आपका 4 रहेगा तो 2 करना होगा जो कि 2 अंक रहेगा। 4 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें करना है, उसमें आपको सरल कौन लगता है, 4 संस्कृत अनुवाद करना होगा, 4 में से 2 कर लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। अगला 8वां क्वेश्चन रहेगा, 8वां क्वेश्चन रहेगा रस की परिभाषा उदाहरण सहित, 2 अंक रहेगा, यानी परिभाषा और उदाहरण मिलाकर 2 अंक रहेगा। हास्य रस करूर रस याद कर लीजिएगा, अगर ये आएगा आपको मिल जाएगा। अलंकार में आपका उदाहरण सहित परिभाषा लिखना होगा, 2 अंक का रहेगा, और उपमा और रूपक याद कर लीजिएगा। छंद की परिभाषा लिखने को आएगा उदाहरण सहित, ये भी 2 अंक का आएगा, रोला और सोठा याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से इन सबको आप कन्फर्म याद कर लीजिए, आपको ये टोटली 6 अंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये 6 अंक आपको मिलने मिल जाएंगे। बाकी और क्या चीज़ है, हम इसको चलते हैं दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर है आपका उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग में आपको जानते हैं कैसे लिखना होता है, 6 रहेगा उपसर्ग, आपको 3 बनाना होगा, 3 अंक मिलेगा, बहुत आसान होता है। प्रत्यय आपका 5 रहेगा, 2 करना होगा, 2 अंक रहेगा। और इसके बाद समास विग्रह होता है, समास विग्रह में आपको समास विग्रह करना होगा, समास का नाम भी लिखना होगा, 2 अंक का रहेगा, 5 रहेगा तो 2 करना होगा, इसलिए 2 अंक मिलेगा आपको। उसके बाद तत्सम रूप आता है, ये 5 रहेगा तो आपको 2 चयन करके इसमें करना है, 2 अंक मिलेगा। पर्यायवाची शब्द होता है, इसमें 2 पर्यायवाची आपको लिखना होगा, जिसमें से आपको 2 को पर्यायवाची, 5 रहेगा 2 करना होगा, 2 पर्यायवाची लिखना होगा, 2 अंक मिलेगा आपको इससे। तो टोटली मिला करके आपको ये आपको 2-2 अंक मिला करके काफ़ी अंक हो जाते हैं, बस आपको करना क्या है ये ध्यान में रखना है। और चलिए दिखाते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी लिखना है, 5 संधि विच्छेद रहेंगे, 2 संधि विच्छेद करना होगा और जो 2 नंबर रहेगा। शब्दों का रूप विभक्ति वचन लिखना होता है, 4 रहेगा, उसमें 2 करना होगा, 2 अंक रहेगा। शब्दों का लकार पुरुष वचन बताना होता है, 3 रहेगा, उसमें से 1 करना होगा, आपका 2 अंक रहेगा। टोटली मिलाकर के ये भी आपका 6 अंक क्लियर हो जाता है 10 में भी। और इसमें अभी बचता है 1 बचता है संस्कृत में अनुवाद करना, आपको संस्कृत में अनुवाद करने आएगा यानी हिंदी में लिखा रहेगा तो संस्कृत में अनुवाद करूँगा, उसमें 4 रहेंगे तो आपको 2 करना होगा, 4 रहेगा तो आपको 2 करना होगा, 2 अंक मिलेगा। तो 10 क्वेश्चन आपका ये रेडी हो जाता है इस तरह से अगर आप करते हैं। उसके बाद आपका आता है 11 नंबर क्वेश्चन जो कि हम सामने दिखा रहे हैं। 11 नंबर आपको निबंध लिखना होगा, 5-6 हेडिंग का उपयोग कीजिएगा कम से कम। पहली हेडिंग आपको प्रस्तावना के रूप में रूपरेखा में यूज करना, प्रस्तावना और लास्ट उपसंहार जरूर कर लीजिएगा, उस बीच में जो भी यूज करते हैं। छांक आपको लिखना होगा यानी छांक इसको छोड़ना नहीं है। तो इसमें आपको निबंध कौन कौन सा ध्यान में रखना है, ये निबंध क्लियर कर लीजिएगा पक्का। शिक्षा संबंधी कोई भी एक निबंध ध्यान लीजिए, कंप्यूटर मोबाइल संबंधी एक निबंध,
जल वन या प्रदूषण या जनसंख्या या पर्यटन संबंधी एक निबंध तैयार कर लीजिए, समाचार पत्र या यातायात संबंधी संगत या विद्यालय संबंधी, इस सब में से कोई भी दो तीन आप ध्यान रख लीजिए, हेडिंगों को बस आप बना के लिख दीजिए। उसके बाद सवठित खंड काव्य आता है जो एक पर लिखना होता है, उसमें बहुत खंड काव्य रहेगी आपको, जो जिला निर्धारित होता है कौन से जिले से आप जुड़े हुए हैं उसी जिले के हिसाब से आपको इसमें से जो भी जय सुभाष तुम उल्कर्ण वीर भरत मुग्धूत और मेवाड़ मुकुट जो जवाहर और मत भूमकर और इसी तरह से सारी चीज़ें हैं अगर पूजा, तो आप इसको एक एक करके आप सभी को पढ़ लीजिए। आपको एक केवल खंड का भी करना है, तीन अंक का रहेगा, टोटली मिलाकर आपको 70 मार्क्स हो गए। आपको 70 मार्क्स पूरा करना है, ध्यान में रखना कि अगर आप इसमें से कुछ भी छोड़ देते हैं तो आपको नंबर कम हो जाएगा। कोई भी हार नहीं, अगर जो भी समझ में आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो उसकी वीडियो हम बना देंगे, बस आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने हर जगह पोस्ट पर, और इसका PDF जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, इसी तरह इंटर की भी हम बनाए हैं, इंटर की भी आप जाकर चेक कर लीजिएगा। तो सभी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए, हम आपको इसी तरह वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। ओके, फिर अगली वीडियो लेकर आएंगे, जस्ट भी कमेंट करिए किसकी वीडियो चाहिए, हम उसकी वीडियो लाकर आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। चलिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो फिर मिलेगी, तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिए और बनी रहिए टेक्नो प्लस स्टडी चैनल, जो पहले था थरू टेक्नोलॉजी एंटरटेन चैनल, वो चेंज होकर टेक्नो प्लस स्टडी चैनल बन गया है। ओके, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।